हाँ तो पहुंच गए ऑफिस। अरे पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि व्लॉग जो है वो आ नहीं रहे। सिचुएशन जो थी वो ऐसी हो गई थी कि व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और इस रमज़ान में ऐसा कुछ करने लायक था नहीं कि जिससे कि मैं व्लॉगिंग करूं। पिछली बार मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे तो कुछ ना कुछ अपन बना ही लेते थे, बट इस बार तो पॉसिबल नहीं था। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तुम्हारा भाई भी फर्स्ट क्लास है। तो ये उन दिनों की बात है जब रमज़ान स्टार्ट होने वाली थी। तो सीन ये था कि सबकी ड्यूटी बांटी गई थी कि इसको क्या क्या करना है। तो मैंने तो सोच लिया था अगर काम ज़्यादा होगा तो व्लॉग करना मुश्किल हो जाएगा और काम कम होगा तो व्लॉग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसका अलग ही हुआ। और ड्यूटी टाइम जो था वो इतना गड़बड़ा गया था कि बस कुछ करने का दिल ही नहीं करता था। क्योंकि ड्यूटी जो थी वो सुबह के 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक, और पहुँचते करते मुझे 5:30 बज जाता था, तो उस वक्त मगरिब का टाइम हो जाता था। तो सीन ये था कि इफ्तारी और ईशा के बीच में सिर्फ 1 घंटे का ही फासला होता था। अब उस बीच में कैसा होता था, इफ्तारी करो, मगरिब की नमाज़ पढ़ो, मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद अपने को चाहिए एक चाय ताकि सुस्ती वस्ती भी जाए, चाय तो लाजिम चाहिए। उसके बाद ईशा हो जाती थी, ईशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के मुझे जाना पड़ता था जिम, और मैं जाता था 9 बजे, और 9 बजे जाता था तो आता था सीधा 10 बजे। 10 बजे आके नहा धो के फ्रेश होके मुझे 2 बार आना पड़ता था, एक तो जिम आने के बाद और एक सुबह ऑफिस जाने से पहले। फिर खाना तो मुझसे खा ही नहीं आता था, तो अपना प्रोटीन शेक वगैरह वो पी लेता था और फ्रूट्स वगैरह वो खा लेता था बस। उसके बाद मैं 11 बजे तक मैं सो जाता था क्योंकि रात में मुझे फिर सहरी के लिए 3 बजे उठना पड़ता था। आई होप आपको मेरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी और मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ ऑफिस के अंदर। आज सुनने में आया है कि आज हम लोग शिफ्ट होने वाले कोई नई ऑफिस में, चल के देखते क्या सीन है। अरे बाप, सिर्फ कैंटीन वाले के अलावा और कोई है ही नहीं। जोहिल भाई, भाई। सब कहाँ गए? सब शिफ्टेड हो गए? बस ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ। ये देखो पूरा ऑफिस सन्नाटा है, सब कंप्यूटर वगैरह सब शिफ्ट कर लिए। शिट, खैर मेरा तो ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे, मैं जाके चेक करता हूँ मेरा क्या सीन। अस्सलाम वालेकुम, केवल हाल अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी है अपनी ऑफिस में, चल के देखते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। भाई साहब ये क्या सीन हो गया, मेरा सिस्टम तो चल दिया। अल्लाह अकबर। खैर कोई नहीं, जब तक अपन इधर काम कर लें। A few moments later. ओके देन, तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ नई ऑफिस में जाने के लिए, और मेरा जो सामान है वो उस बॉक्स में मैंने जमा कर दिया ताकि इधर उधर ना हो, जो चीज़ चाहे वही रहे, बाद में मुझे ढूंढने में आसानी पड़े। जैसे कि देख सकते हो ये रहा अपन का बॉक्स, इसमें सब चीज़ रख दी है। अब बस गाड़ी का वेट हो रहा है, गाड़ी में बैठते और निकलते। तो सारा सामान जो रख चुका है, ये है व्लॉगर लाइफ। ऑलराइट, तो आ चुके हमारी नए ऑफिस में और जाके देखते हैं कि अंदर से कैसी है। पहले एक थंबनेल के लिए फोटो तो खींच लूँ। चलिए अंदर। तो ये है एंट्रेंस, एक नंबर। ये रिसेप्शन और यह कस्टमरों के लिए, और ये कस्टमर से रिलेटेड जिस कस्टमर लोग से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर बैठेगा। अभी चेक करना है कि अपना ऑफिस किधर है। अपना ऑफिस किधर है भाई? ऑल राइट, वो माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ आएगा, फिलहाल अभी तो खाली है। यहाँ पर सब अरेंजमेंट चल रहा हुआ है, सबके कैबिन है, बहुत अच्छा है।
कैबिन है तो बहुत अच्छा है, देखने वाला कोई नहीं है। सब तरतीब चल रही है, यहाँ सब बैठे हुए हैं और यहाँ से कहीं से होगा हमारा ऑफिस। खैर तो अभी मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। तो ये छोटी सी हमारा मीटिंग है, आई थिंक सो यहाँ पर कैबिन नहीं है बट यहाँ पर मीटिंग हुई गई। और ये जो है मैनेजर का ऑफिस है, एरिया मैनेजर का, सॉरी अंदर नहीं दिखा सकता, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और वॉशरूम ये तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब, ये है वो वॉशरूम, हाँ यही है। और ये भी वॉशरूम ही मेरे ख्याल से, हाँ वॉशरूम है बेहतरीन सा। और मेन चीज़ को अपने को तो मेन चीज़ तो देखना ही भूल गए, गुफिया। ओहो तो यह आएगा हमारा कैंटीन है, जहाँ अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जब कैंटीन खुलेगी। देखते बाहर का नज़ारा क्या है, एक तरफ से बहुत अच्छी बात हुई यार, बाजू में मस्जिद है, सुभान अल्लाह। वैसे तो उस ऑफिस में भी था, मस्जिद नहीं थी वो एक्चुअली, बस ऑफिस में बिछा देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। और यहाँ माशाल्लाह मस्जिद है, सुभान अल्लाह। और ये है हमारा बैक साइड और पार्किंग एरिया, देख सकते हो पीछे गाड़ी वगैरह रख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, जो कि बाजू में ही मस्जिद है। आपको मस्जिद भी बता देते कि मस्जिद कितनी खूबसूरत है। ये एक्चुअली ये एरिया जो है ना, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और इसके बीच में हमारा ऑफिस बनाया गया है। और ये है वो खूबसूरत सी मस्जिद, जो कि आज मेरी पहली जहर की नमाज होगी। चलिए अंदर चलते हैं। और बाहर से कुछ इस तरह से है, ये पूरी नहीं है, ये बस सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही है और ये सेकंड डिपार्टमेंट पता नहीं किसी और का है। माशाल्लाह जमात भी जो है वो खड़ी हो गई है। मैं तो ठंडा पानी पीऊंगा रे भाई, भी बहुत ज़रूरत है। ओके तो भाई लोग, इस व्लॉग को भी अपन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब करके आना। टिल देन अल्लाह हाफिज़। शॉर्ट था लेकिन व्लॉग तो था।